हे गाइस, वेलकम बैक। तो जो यहाँ पर बहुत दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पर जो है बैटरी सेविंग टिप्स जो है वीडियो बनाकर बताइए, तो यहाँ पर बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, जो है यहाँ पर बैटरी बहुत ज़्यादा जो है कंज्यूम होता है, तो उसको जो है सेव कैसे कर पाएंगे। तो इस वाले वीडियो को यहाँ पर आप कंप्लीट देखिए, सारा का सारा सोल्यूशन देने वाला हूँ। बैटरी जो है आपका कैसे ज़्यादा कंज्यूम होता है और कैसे जो है आप बैटरी जो है सेविंग कर सकते हो, आपका बैटरी कैसे जो है ज़्यादा चल पाएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको कुछ सेटिंग वगैरह करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर आपको जो है वो अभी मैं बताऊंगा यहाँ पर क्या कुछ जो है सेटिंग वगैरह करना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको जो है सेटिंग में जो है आ जाना है। यहाँ से सेटिंग में आ जाते हैं, यहाँ पर जो है आपको एक बैटरी वाला सेक्शन रहेगा, ये रहा बैटरी वाला सेटिंग, इसमें क्लिक कर लेना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। तो यहाँ पर एप्स आर रनिंग नॉर्मली, तो यहाँ पर जो है ना अगर कोई ऐप आपका बहुत ज़्यादा बैटरी वगैरह कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा लिखा हुआ कि ये ऐप जो आपका ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है, उसको फिक्स करने का भी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये उतना परफेक्टली वर्क नहीं करता, बहुत सारे सिस्टम का ऐप जो है ना वो ट्रेस नहीं कर पाता है, तो इसके भरोसे नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अभी ये सारा सेटिंग को छोड़ते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ठीक है, तो यहाँ पर ये तीन सेटिंग, क्लोज ऐप आफ्टर स्क्रीन लॉक, उसके बाद ऑटो लॉन्च मैनेजमेंट है, उसके बाद पावर इंटेंसिव ऐप है। तो यहाँ पर ये जो तीनों सेटिंग है, ये तीनों सेटिंग जो है आपका बैटरी सेविंग करने वाला है। ये तीनों सेटिंग को आपको जो है यहाँ पर अभी जो बताऊंगा वैसा कर लेना है, उसके बाद आपका अच्छा खासा जो है बैटरी वगैरह सेविंग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला है क्लोज ऐप आफ्टर स्क्रीन लॉक। अब ये सेटिंग क्या है, तो यहाँ पर जो है ना बेसिकली जब आप फोन को जो है लॉक कर देते हो, ठीक है, तो फोन लॉक करने के बाद जो है ना क्या होता है कि बहुत सारा ऐप जो है ना पीछे में चलते रहता है, ठीक है, तो वो सारा जो है ना बैटरी कंज्यूम करते रहता है। तो वहाँ पर जो वो सारा अगर ऐप जो है बंद कर देंगे, तो वहाँ पर जो है ना बहुत सारा बैटरी जो है सेविंग हो जाएगा, ठीक है। फिर आप जब स्क्रीन को ऑन करेंगे तो वो सारा ऐप जो है फिर वर्किंग करने लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब जब हम फोन को यूज नहीं करेंगे तो कोई भी ऐप जो है बैकग्राउंड में नहीं रन करना चाहिए, तो वो वाला सेटिंग जो है यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको कर देना है ऑल पे क्लिक, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पर फोन जैसे ही आप जो है लॉक करेंगे, तो जो भी बैकग्राउंड में रन ऐप वगैरह रन करेगा, वो सारा का सारा जो है यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेटिंग सबसे पहले आपको कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पर कौन सा सेटिंग करना है, पैक करना है, ठीक है। उसके बाद जो अगला सेटिंग है ऑटो लॉन्च मैनेजमेंट का, ठीक है। तो ऑटो लॉन्च जो है ये वाला सेटिंग जो है यहाँ पर आपको दो सेटिंग मिलेगा, ऑटो लॉन्च सबसे पहले ऐप ऑटो लॉन्च, उसके बाद जो है सेकेंडरी लॉन्च का, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सारा का सारा जो है ना आपका अलाउ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सारा को सारा जो है यहाँ पर अलाउ नहीं करना है, मतलब हटा देना है, ठीक है, डोंट अलाउ कर देना है। ये क्या है, तो यहाँ पर जो है ना फोन जो है जैसे आप नेटवर्क वगैरह ऑन करोगे, जो है इंटरनेट वगैरह ऑन करोगे, नेट ऑन करोगे, फोन का जो है नेट ऑन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सारा ऐप जो है बैकग्राउंड में जो भी है वो रन करने लग जाएगा, और अगर आप नहीं भी करते कोई भी ऐप जो है इसको जो है ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में रन करता रहता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इसको ऑफ कर देना, तो इसमें जितना भी ऐप है वो सारा का सारा जो है यहाँ पर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो सेटिंग हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका जो है ऐप सेकेंडरी लॉन्च, इसमें भी जो है क्लिक करना है, ये भी जो है आपका सारा ऑन रहेगा, तो अलाव अलाव सब दिख रहा है, ठीक है। इसको जो है यहाँ से ऑल वाले से हटा देना है, सारा का सारा जो है यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये भी सेटिंग कर लेना है। उसके बाद बैक आना है। उसका जो तीसरा सेटिंग है पावर इंटेंसिव ऐप का, तो ये जो है ना ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं व्हाट्सअप जो है हमारा पावर इंटेंसिव ऐप में आ गया है, मतलब जो है इस फोन में भी सबसे ज़्यादा जो बैटरी कंज्यूम कर रहा है वो यहाँ पर व्हाट्सअप कर रहा है, ठीक है। तो इंटेंसिव ऐप में आ रहा है, तो अभी ये जरूरी भी है, मैसेज वगैरह आता रहता है, तो अभी इसको छोड़ देता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपका फेसबुक वगैरह हो सकता है, इंस्टाग्राम वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो वो सब ऐप क्या होता है ना कि मतलब वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है, आप समझ रहे हो। मतलब जो मान लीजिए फेसबुक वगैरह हो गया, तो वो सब ऐप जो है, या इंस्टाग्राम हो गया, तो वो सब ऐप जो है ना मतलब उसमें तो कोई मैसेज वगैरह मतलब हमको इंपॉर्टेंस है नहीं, ठीक है। जब ओपन करेंगे तब तो दिखेगा ही मैसेज उस वाले ऐप में, तो ऐसा जरूरी नहीं होता। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऐप आपके फ़ोन में हो सकता है, अभी हमने बहुत सारा ऐप यहाँ पर इंस्टॉल नहीं करा है, जैसे फेसबुक नहीं इस वाले फ़ोन में, इंस्टाग्राम इंस्टॉल नहीं करा है, तो वो सारा ऐप अभी इंस्टॉल नहीं किया हूँ, ठीक है। तो वो सारा ऐप अगर होगा आपका तो यहाँ पर वो शो होगा, तो उस पर जो है अगर शो करे तो व्हाट्सअप के अलावा जो भी रहेगा उसको जो है ना यहाँ पर आपको क्लिक करके जो है यहाँ पर बैकग्राउंड रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन आएगा, इसमें आपको क्लिक करके जो यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन देगा, तो इसको जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर दीजिएगा, समझ रहे हैं। व्हाट्सअप के अलावा, ठीक है, व्हाट्सअप को नहीं करना, व्हाट्सअप के अलावा जो है जितना भी ऐप आएगा सारा का सारा ऐप में जो आपको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर देना है, ठीक है। तो अभी इसको हम हटा दिए, तो यहाँ पर जो भी इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह जो भी आएगा सारा को सारा जो है रिस्ट्रिक्ट कर देना है, ठीक है। अब ये सेटिंग आप वहाँ से भी कर सकते हो, कहाँ से, यहाँ पर जो है होम स्क्रीन से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको फाइल को रिस्ट्रिक्ट करना है, इसमें क्लिक करके रखेंगे, ऐप इन्फो आएंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आ जाएंगे बैटरी वाले सेक्शन में, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है बैकग्राउंड रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर देना, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, अब ये बैकग्राउंड में नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके जो भी ऐप्स है, ठीक है, कुछ ऐप्स को छोड़ के जैसे कि डायल वगैरह हो गया, ठीक है, उसके बाद कॉन्टैक्ट हो गया, मैसेज हो गया, ये सारा ऐप, और व्हाट्सअप को छोड़ के जितना भी फ़ोन में ऐप है आप सारे ही ऐप्स को जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, कैसे करके, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ से आना है आपको, ऐप में क्लिक करना है, ऐप इन्फो में, उसके बाद बैटरी वाले सेक्शन में,
उसके बाद बैकग्राउंड रिस्ट्रिक्शन में यहाँ पर ऐसे करके रिस्ट्रिक्ट कर देना है। तो सारे ऐप को इस तरह करके रिस्ट्रिक्ट कर देना। तो ये चार पांच सेटिंग आपको अपने फ़ोन में करना है और अच्छा खासा जो आपका बैटरी सेविंग हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पर और आप एक जो है सेटिंग कर सकते हो, जब आप जो है ना मतलब फ़ोन वगैरह आप चलाना छोड़ दिए हो, ठीक है, मान लीजिए अभी आपको फ़ोन को जो है लॉक करके छोड़ देना है, ठीक है, तो यहाँ पर उससे पहले यहाँ पर रिसेंट बटन पर टैप करना, ये जितना सब ऐप जो है ना बैकग्राउंड में ओपन रहता है ये सारा जो है यहाँ से हटा देना है, ठीक है, नहीं तो ये बैटरी जो है बैकग्राउंड में कंज्यूम करता रहेगा, तो इससे भी आपका जो है ज़्यादा बैटरी खत्म होगा। तो उसके लिए यहाँ पर जो है जब आप फ़ोन छोड़ देंगे चलाना तो यहाँ पर क्लियर ऑल का ऑप्शन मिलेगा, इसमें टैप करेंगे तो सारा ऐप जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगा, तो नो रिसेंट आइटम दिख रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आप फोन को लॉक करके छोड़ सकते हो, अब जो है बैटरी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा, तो ये आपको समझ में आ गया। और उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ इस तरह का भी आप जो है यहाँ पर देख रहे हो, जैसे बैकग्राउंड में वॉलपेपर दिख रहा है, बहुत ही अच्छा सा वॉलपेपर लगा, तो यहाँ पर जो है इसको अगर आप डाउनलोड वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ पर जो इसका लिंक जो है टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो वहाँ से जो है आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम वाले चैनल पर अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर इस तरह का इन्फॉर्मेशन वॉलपेपर वगैरह कुछ नया नया कुछ मिलता है तो वहाँ पर आपको देता रहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए भी जो वहाँ पर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वाला जो वॉलपेपर है और ये जो थीम जो है कुछ इस तरह का सेट हुआ है, इस तरह का जो है यहाँ पर आपको उस वाले वहाँ पर जो है मिल जाएगा लिंक वगैरह, ठीक है, तो वहाँ से आप इसको यूज कर सकते हो। तो इतना था इस वाले वीडियो के लिए, आई होप जो यहाँ पर आपका बैटरी वगैरह सेविंग से रिलेटेड जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी आपका बैटरी वगैरह कंज्यूम होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर आपको सोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो बस इतना ही रखते इस वाले वीडियो के लिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सही।